अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसे कि आप सबको बताया कि आज जो है वो हम लंच बॉक्स सीरीज़ का थर्ड एपिसोड करने लगे हैं और आज जो है वो हम बहुत ही मज़ेदार सी टिक्का मैक्रोनी बनाने लगे हैं। ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरह से जो है वो मैक्रोनीज़ के अंदर जो है वो बच्चे वेजिटेबल्स वगैरह भी खा लेते हैं, तो इस तरह से जो है वो बहुत अच्छा है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलें चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दिया है। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी एक कप मैंने यहाँ पर बॉयल्ड चिकन ली थी, इसको जो है मैंने अच्छी तरह से श्रेड कर लिया है। इसको जो है वो हम अब इसको अच्छे से सौते कर लेंगे। उसके बाद जो है वो मैं इसमें शामिल करूँगी गाजर। मैंने यहाँ पर जो है वो आधा कप गाजर ली थी, इसको जो है मैंने अच्छी तरह से बारीक बारीक जूलियन कट कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसको जो है वो हम अच्छी तरह से सौते कर लेंगे ताकि हमारी गाजर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अच्छे से जो है वो हमने एक से दो मिनट इसको सौते कर लेना है और फिर ये जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी गाजर जो है वो अच्छे से सौते हो चुकी है। अब हम इसमें जो है वो एक टेबल स्पून चिली सॉस शामिल कर देंगे और एक टेबल स्पून हम इसमें सोया सॉस शामिल कर देंगे। अब इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून टिक्का मसाला। आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं। इसको जो है वो हमने शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमें इसमें जो है वो सॉल्ट डालने की नीड नहीं होगी क्योंकि टिक्का मसाले में और सोया सॉस दोनों में सॉल्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून मैदा। ये जो है वो हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है और यहाँ पर जो है वो मैंने 1/4 कप पानी शामिल कर दिया है। इसको जो है वो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो है वो बिल्कुल भी मैदे के लम्स ना रहें। अच्छी तरह से जो है वो हमने इसको मिक्स कर लिया है। उसके बाद जो है वो हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि जो है वो मैदे का कच्चापन निकल जाए। उसके बाद हम इसके अंदर स्प्रिंग अनियंस शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर 1/2 कप स्प्रिंग अनियंस लिए है, इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से जो है वो हम इसको इसमें शामिल कर देंगे। आप जो है वो और भी कोई वेजिटेबल्स इसमें जो आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्का सा हमने इसको मिक्स करना है, ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है वो 400 ग्राम्स एल्बो मैक्रोनी ली थी, इसको मैंने बॉयल कर लिया था। ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। जो मैक्रोनी का स्टैंडर्ड पैक होता है वो 400 ग्राम्स का ही होता है, तो मैंने यहाँ पर जो है वो पूरा स्टैंडर्ड पैक लिया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। मैंने यहाँ पर जो है वो बेक पार्लर की मैक्रोनी ली थी और आप जो है वो कोई भी मैक्रोनी ले सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने उसको जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिया है और कितनी जल्दी से मैंने उसको मिक्स किया है। आप भी जो है वो इसी तरह से जल्दी से मिक्स कीजिएगा। उसके बाद जो है वो हमने इसको देख सकते हैं हम कितनी ज़्यादा क्रीमी सी हमारी जो है वो मैक्रोनी रेडी हुई है। अब हम इसको जो है वो डिश आउट कर लेंगे। अब देख सकते हैं कितनी कलरफुल सी हमारी पेल कलर की जो है वो मैक्रोनी और उसके बाद जो है हमारी रेड कैरेट्स और ग्रीन स्प्रिंग अनियंस, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो है वो मैक्रोनी रेडी हो चुकी है आप देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा क्रीमी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बनी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको और आपके बच्चों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। अब हम भी ज़रा थोड़ा सा चख के देख लेते हैं इसको किस तरह की बनी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इसमें जो है वो आप अपनी पसंद की कोई भी जो है वो वेजिटेबल्स शामिल कर सकते हैं। अगर तो आप इसमें चिकन शामिल करना चाहें तो आप चिकन शामिल करें, या फिर अगर आप जो है वो इसको बीफ या मटन में बनाना चाहते हैं तो आप इसको जो है वो बीफ या मटन में भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। प्रोसीजर सेम रहेगा, बट आपको जो है वो चिकन की जगह आप जो है वो बीफ शामिल कर देंगे या मटन, जो भी आप चाहें। उसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी हमारी मैक्रोनीज़ जो है वो रेडी हो चुकी हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मिलेंगे हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप किसी भी रेसिपी को ट्राई करके उसकी पिक्चर में साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो आप इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।